हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 में संस्कृत में लेसन 3 पढ़ाने जा रही हूँ। तृतीय पाठ इसमें क्या है? विज्ञानम। विज्ञानम, विज्ञानम का मतलब तो आप लोग जानते ही, विज्ञानम का मतलब होता है हमारा विज्ञान, जिसको हम साइंस कहते हैं। क्लास में आप लोग साइंस पढ़ते हैं, ईवीएस पढ़ते हैं, इसी में हम विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो आजकल का युग है वो किसका युग है? विज्ञान का। विज्ञान का युग है आजकल। विज्ञान हमारा इतना आगे चरम सीमा तक चली गई है जिससे कि हमारा हर जीवन सरल हो गया है, आसान हो गया है। पहले के जमाने में क्या थी, पैदल ही 100-100 किलोमीटर दूर चलना पड़ता था, लेकिन हमारा विज्ञान ने एक से एक चीजों का आविष्कार किया जिससे कि पहले पैदल चलते थे, फिर काठ की लकड़ी बनाया गया, बैलगाड़ी बनाया गया, बस ट्रक चली। अब दूर दूर के सफर भी हम 2 घंटे में, देश विदेश की यात्रा हम 2 घंटे में कर लेते हैं। तो चलिए आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा बात करते हैं। तो इसमें क्या है विज्ञानम? पहले मैं आपको रीडिंग के द्वारा समझा रही हूँ। इसमें ये कह रहा है अयम विज्ञानस्य युगम, युग युग, आज जो है आज का युग क्या है? विज्ञान का युग है। उसके बाद कह रहा है अद्वयम जीवनस सर्गेषु क्षेत्रेषु सुखम अनुभवाम, हमारा जो जीवन है वो हर तरफ से सुख का एहसास कर रहा है। वो कैसे? तो विज्ञान के वजह से। आज के डेट में विज्ञान में, आज देखिए, आज अभी लॉकडाउन है आप लोगों का, आप लोग घर बैठे हैं। अब हम लोग ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, अपना ये क्लास में वीडियो बना के यूट्यूब पे डालती हूँ जिसे आप लोग देख के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो आविष्कार किसने किया, इसका जो तकनीकी को आगे किसने बढ़ाया? हमारा विज्ञान ने बढ़ाया है। तो यही है तत्र विज्ञानम एव कारणम, ये सब जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? विज्ञान के कारण हो रहा है। विभिन्नेषु देशु वैज्ञानिक प्रयोगशालासु अन्य वेशायां संतता संलग्न सन्ति, इदानी वैज्ञानिक उन्नति एवं सभ्यता। कह रहा है हर देश में विज्ञान के वजह से हर काम सरल होता जा रहा है। इदानी वैज्ञानिक उन्नति एक सभ्यता सर्वोच्च प्रतीकम अस्ति, ये सब जो सर्वोच्चम प्रतीक है किसके वजह से? विज्ञान के वजह से है। विविधान यंत्राणां प्रदानेन इदं विज्ञानम् अस्मान् सर्वथा करोति, ये जो हमारा विज्ञान है वह हर समय क्या करता है? विविधान मतलब होता है विविध, नाना प्रकार के, ये नाना प्रकार के हमेशा नाना प्रकार के कुछ ना कुछ हमारे लिए आसान से आसान यंत्रों की, मशीनों की आविष्कार करते हैं। यावत सभ्यता आरंभे मनुष्य अग्ने प्रज्वालन समर्थ अवत, तावत एव विज्ञानस प्रारंभ अवत। सबसे पहले आरंभ में क्या हुआ था? मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था, उसके बाद हमारा विज्ञान का युग आया। अग्ने अवत तावत एव विज्ञानस्य प्रारंभ अवत, ऋग्वेदस्य प्रथम मंत्र अग्ने एव अस्ति, सबसे पहला जो मंत्र है हमारा वो क्या है? प्रारंभ का ऋग्वेद है। विज्ञानं मान वेद वास्त यान तैर यान जल यान वायु यान एच्छत। विज्ञान जो है वो विज्ञान में क्या, विज्ञान है मानव के द्वारा क्या क्या किया? वास्त यान तैरियन, तैरियन का मतलब, तो इसमें बहुत सारा वर्ड्स भी दिया गया है। तैरियानम का मतलब होता है मोटर, जलयानम का मतलब होता है पानी का जहाज, वायुयानम का मतलब होता है हवाई जहाज। ये सब तो किसने लाया? हमारा विज्ञान ने ही लाया। इन्हें सूजी यंत्र, दूरभाष कम यंत्र, आरोह बड़ो यंत्र, विद्युत उत्पादन यंत्र, अन्यानि च वीरानि स्वचालित यंत्राणि प्रायच्छत। कह रहा है दूरभाष, उसके बाद लिफ्ट, हम लोग जब 20-25 मंजिले पे चढ़ते हैं वो किसके थ्रू चढ़ते हैं? लिफ्ट के थ्रू चढ़ते हैं। लिफ्ट हो गया, दूरभाष,
आविष्कार तो विज्ञानस्य पराकाष्ठा। ये सारा चीज जो है किसका किसका पराकाष्ठा है, किसके किसके पराकाष्ठा सोचने विचारने से हुआ है, विज्ञान के। चिकित्सायां अपि विज्ञानस्य विकास अद्भुत, और चिकित्सा और हमारा जो विज्ञान है उसका ये जो चिकित्सा के तरफ चलते हैं, चिकित्सा का मतलब होता है हमारा इलाज, दवाई, दारू जो भी है वो चिकित्सा में आता है। इसमें भी इसका बहुत अद्भुत चमत्कार है। एक से एक, पहले क्या होता था, सर्दी जाती जुकाम होती थी तो हम लोग को काढ़ा दिया जाता, आज भी वही युग है, ये सब देसी दवाई है, लेकिन हमारे विज्ञान ने एक से एक दवाई का आविष्कार किया, एक से एक मेडिसिन तैयार किए। अभी कोरोना पे ही चल रही है, वो भी तो हमारे वैज्ञानिक ही सर्च कर रहे हैं। एक से एक बीमारी जैसे कैंसर, डेंगू, बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जिनका इलाज के लिए मशीन, चेक करने के लिए मशीन, दवाइयां का निर्माण किया, विकास किया। रॉक टेस्ट आविष्कार है, चंद्र यात्रा अभी साध्य, रॉकेट का आविष्कार किया, जिससे रॉकेट के आविष्कार से हम क्या करते हैं, जो चंद्रमा तक जा सकते हैं, चंद्रमा तक हम पहुंच सकते हैं। मानवाना साहस, शौर्य, साहस चौबीस है, कह रहा है हमारा ये सारा तो एक मनुष्य ने ही किया है। ये जो विज्ञान का भी जो वैज्ञानिक भी कौन है, हम ही है, हम ही में से आप लोग जो बच्चे पढ़ रहे हो इसी में से कोई विज्ञान वैज्ञानिक बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। ये कोई अन्य चीज नहीं है, ये मशीनों के द्वारा किया गया सामान नहीं है। ये जो हम वैज्ञानिक है, जो हम निर्माण करते हैं, वो हम ही जैसे लोग हैं जो आप इतना सब कुछ का निर्माण किए। उसके बाद यह कह रहा है अन्य ब्राह्मण अपि गम्यस्यति वैज्ञानिक न तत् आश्चर्य। हमारे जो यह विज्ञान है उसके लिए, वैज्ञानिक के लिए, यह सब कोई भी चीज आश्चर्य की चीज नहीं है। किम इदं विज्ञानम उपकारणे स मानव सभ्यता जीवनस्य च नाशं कपि अरिष्यति। आम सत्यम इदं यदि मानव प्रज्ञा बिना विज्ञानस्य उपयोग करिष्यति तदा बिना सुनिश्चित परम न अयम विज्ञानस्य दोष अयम मनुष्यस्य व्यवहार व्यवहारस्य च दोष भविष्यति। इसमें कह रहा है हमारा जो विज्ञान है यदि हम वो हमारे लिए हानिकारक कब है, हमारा विज्ञान तब हानिकारक है जब हम उसका दुरुपयोग जब उसका हम प्रयोग ना करके दुरुपयोग करेंगे, जब उसको हम गलत तरीकों से यूज करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे लिए हानिकारक साबित होते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे लिए वैज्ञानिक ने ये बिजली का आविष्कार किया, निर्माण किया, अब हम इस बिजली को गीले हाथ से पकड़ ले जाके, तो क्या ये हमारे लिए तो नाश्ता कारण बनेगा, हमारा मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसे ही ले लीजिए एक से एक मशीन बना है, अब उसमें हमारा हाथ चला जाता है तो हमारा हाथ कट जाएगा। ये क्या है, ये सब कोई भी चीज, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो घर की टीवी हो, कोई भी चीज हो, ये विज्ञान की बात नहीं है। हर चीज में निगेटिव पॉजिटिव होती है, मतलब नकारात्मक और सकारात्मक चीज होती है। तो यदि हम उसको सही दिशा में ले जाए, सही वे में ले जाए, वो हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो वो हमारे लिए नाश का कारण बन सकता है। यही चीज है विज्ञान में भी। अब मोबाइल में ही आजकल के बच्चों पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल में गेम खेलने में, कार्टून देखने में लगे रहते हैं, तो क्या ये हमारे लिए सही है, नहीं। लेकिन क्या है आजकल लगे रहते हैं बच्चे, तो कोई भी चीज का सही उपयोग करना ही सही है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो किताब हो। आपको किताब पढ़ने के लिए दिया गया है, यदि आप उसको पढ़ाई छोड़ के उसको आप पेज फाड़िएगा तो क्या ये तो दुरुपयोग है, ये तो नास्तिक काम है। तो इसीलिए ये हमारा विज्ञान का दिया गया है। विज्ञान जितना हमें आज के डेट में बहुत आगे ले आया है उतना ही वो हानिकारक है। अब विज्ञान ने क्या किया, पहले हम लोग चूल्हा पे खाना बनाते थे, गैस का सिलेंडर का निर्माण हुआ, आजकल हम लोग गैस पे खाना बनाते हैं, लेकिन वही गैस को हम खुला छोड़ दे, अचानक उसमें आग लग जाए, उसके फटने से हजारों की मौत हो सकती है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा असावधानी हुआ। तो यही सर यही है इस विज्ञानम के बारे में। आप लोगों को समझ में आ गई होगी,
आप लोग इसका शब्दार्थ पहले लिखिएगा, शब्दार्थ के बाद आपको जो इसका एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, अनुवाद है, जो भी है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।